बताएंगे कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ 14 नवंबर को बाल दिवस भारत में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 नवंबर को ही क्यों बाल दिवस मनाया जाता है, और क्या पूरी दुनिया में भी चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन 14 नवंबर को ही होता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से ये जानते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो उनका सम्मान करते थे और उनसे प्यार भी बहुत करते थे। चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बच्चे बहुत प्यारे थे और वो अपना काफी समय बच्चों के बीच ही बिताना पसंद करते थे। भारत की आजादी के बाद बच्चों और युवाओं के लिए चाचा नेहरू ने काफी सारे अच्छे काम किए। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी बच्चों की शिक्षा। युवाओं के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने देश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना करी और देश को आधुनिक बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का शुभ आरंभ कर भारत में उद्योग के एक नए युग की शुरुआत करी। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी एजुकेशन और उसके साथ ही साथ छोटे बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए उनके स्कूलों में दूध के साथ मुफ्त भोजन को भी भिजवाना शुरू किया। चाचा नेहरू का कहना था कि बच्चे देश का भविष्य है, केवल सही शिक्षा, देखभाल और विकास के रास्ते पर चलाकर ही बच्चों को एक नया और अच्छा जीवन प्रदान किया जा सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनको सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन की तिथि यानी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है।